विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो कक्षा 7 और विषय सामाजिक विज्ञान की बात करें और हमारा अध्याय चल रहा है कौन सा, चौथा अध्याय नंबर कौन सा चल रहा है, चौथा मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के हम अकबर, जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली। ये देखे थे ना सब। आज हम पढ़ते हैं मुगलों की जो प्रक्रियाएँ हैं, मुगलों की जो उत्तराधिकार की परंपराएं हैं वो पढ़ते हैं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी के वे सहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। यानी वैसे तो भारत में क्या होता था, जिस राजा की मृत्यु होती थी उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होता था ना वो गद्दी पर बैठता था, लेकिन मुगलों में नहीं था। जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तालिका एक में दिए गए रंगीन उद्गणों को पढ़िए और मुगल राजकुमारों के विद्रोह से जुड़े प्रमाणों पर गौर कीजिए। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार का या सहदायात, यानी जो ताकतवर होता था वो। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, तालिका एक को फिर देखो, आप पाएंगे कि मुगलों के उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान हुए जिन्होंने सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूतों का एक अच्छा उदाहरण है, अनेकों ने मुगल घराने में स्त्री पुरुषों घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, किंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। यहाँ देखिए, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ के जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। अब देखो, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मान्य व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। एक बार फिर तालिका एक में देखिए, गौर करें कि जब शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आया और औरंगजेब ने उसका अपमान किया, इस अपमान का क्या परिणाम हुआ। अब देखो, अभी बार बार कह रहा है एक बार तालिका में देखो, एक बार तालिका में देखो, तो अपने क्या करते हैं, एक बार तालिका में देख ही लेते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र दे रखे हैं, तालिका देख लो, रणथंभौर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, गुजरात, बस ये किताब में देख रहा थी। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ कर दिया। शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। जो नौकरशाह होते थे यानी राजा की मानते थे, इनको अलग पद दिया जाता था, वो मनसबदार होते थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत या पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, दो नंबर पर वेतन और तीसरा सैन्य उत्तराधिकारी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए ले जाते थे आते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे, उनके सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन्होंने सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व व्यक्तित्व करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन एकताओं के समान थी। अब देखो, जात की श्रेणियां, 5,000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5,000 जात की पदवी लेते थे। मान लो आज 5,000 रुपये समझ लो बस। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया, परंतु मनसबदार मुक्तियों से बिन अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे।
उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था या राजस्व उनके नौकर के लिए एकत्रित करते थे जबकि वे समय देश के अन्य किसी भाग में सेवा रहते थे। ये चित्र देख लीजिए। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पे और छठा सांझ जहाँ की राजकाल के एक लघु चित्र का ब्यौरा दे रखा है। आगे देखिए, अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि उनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अप्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन में बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे बिना राजस्व वसूल कर सके ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों का नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था पहले। अब देखो, जबत और जमींदार क्या होता है। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाले इस राजस्व का था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए चाहे वह स्थलीय मार्ग के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक साथ शब्द जमींदार शब्द का प्रयोग करते हैं। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए किसी कृषि की पैदावार कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक संरक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जपत कहा जाता है। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित है जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जागृत जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों का द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिरी से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अकबरनामा और आईने अकबरी, नाम सुना ना अकबरनामा। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहले जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरी जिल्द आईने अकबरे है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन लोगों के जीवन की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण। अब देखो, अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और किसको बैंड किया था? अकबर को। अकबर की नीतियां नजदीकी एक नजर से देखिए। किताब पढ़ रहे क्या? फिर अपने पूरा एक क्लियर में होता नहीं है, उसी हिसाब से काम करेंगे, ठीक है? तो ये बाकी हम कल पढ़ेंगे क्योंकि पूरा एक दिन में नहीं होगा। कल इसको पूरा कर लेंगे, फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।